आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। नया जोश है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम सभी के लिए मैथ्स लेकर आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर 6 तथा 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c बराबर 1, तो a गुना बी गुना सी यानी ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन के भीतर 3 चीज दी गई है और एक चीज पूछा गया है। a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का मान दे दिया है, और 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c का मान दे दिया है, और हम लोगों को a गुना बी गुना सी का मान निकालना है। a गुना बी गुना सी का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 1/a 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c बराबर 1, इतना तो दिया गया है। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। कथी का जोड़? भिन्न का जोड़। आशा करते हैं कि आप लोगों का भिन्न का जोड़ आता होगा, और नहीं आता होगा तो हम भिन्न के जोड़ पर भी वीडियो बना चुके हैं। आप सर्च करके देख के मेरे प्ले लिस्ट में जाइए बेसिक कंसेप्ट के नाम से, और उसमें आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। भिन्न का जोड़ भी हम सिखाए हुए हैं। तो फिलहाल ए बी सी का हम एलसीएम लेंगे। तो ए बी सी, ए बी और सी का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ए बी सी आएगा। अब ए से ए बी सी में भाग देंगे तो ए कट जाएगा, बी सी बच जाएगा। तब बी सी में एक से गुना कर देंगे तो बी सी, बी से भाग देंगे ए बी सी में तो बी कट जाएगा, सी ए बच जाएगा, तो यहाँ पर सी ए लिख देंगे। और सी से भाग देंगे ए बी सी में तो सी कट जाएगा, ए बी बच जाएगा, तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे बराबर 1। अब बटा में कुछ ना तो 1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 में ए बी से तो ए बी, 1 में बी सी से तो बी सी, और 1 में सी ए से तो सी ए। अब बराबर के बाद ए बी सी में 1 से गुना होगा तो ए बी सी। समीकरण 1 मानकर हम लोग क्या हो गए? स्टॉप। समीकरण 1 मानकर हो गए स्टॉप। अब हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। इधर देखेंगे आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र पढ़े हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आ गया फ्रेम में, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 जानते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 बैठा दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का वैल्यू 6 दिया। देखिए यहाँ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 6 दिया है तो इसका वैल्यू 6 बैठा दीजिए, प्लस में 2। आ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान तनी देख लीजिए कितना है, हो a इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ डाल दीजिए a इंटू बी इंटू सी। 3 का स्क्वायर सबको पता है कि 9 होता है, बराबर 6 प्लस 2 × ए बी सी, प्लस 6 इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 2 × ए बी सी, और 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, बराबर 2 × ए बी सी। आज 2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 3/2 बराबर ए बी सी। इस तरह से ए बी सी का मान निकालना था। देख लीजिए क्वेश्चन ने पूछा था कि ए बी सी का मान क्या होगा, तो इसका जवाब हो गया 3/2। तो ऐसे ही मनोरंजनदायक और ज्ञानवर्धक नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, यानी कि इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का एक सदस्य बन जाइए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।